फूड नेटवर्क विद निदा कादिर। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बच्चों को तो बहुत पसंद है और बड़ों को भी लाजमी पसंद आती है। ये मैंने चिकन को बॉईल कर लिया है। हम मैदा लेंगे थोड़ा सा, आ जाओ, इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे। आज मैंने कुछ सेट करके नहीं रखा है क्योंकि मुझे जल्दी से बनाना था। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा हम जिंजर पाउडर डालेंगे। इसी में हम ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें सिरका 1 टीस्पून और ये थोड़ा सा सोया सॉस ये डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ज़रूरत पड़ने पे इसमें पानी भी डालेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करती हूँ। ये हमारे पास थिक सा बैटर बन गया। अब इसमें हम एक एक बोटी लेंगे, इसमें मैरिनेट करते रहेंगे और फ्राई करते रहें। ये हमने चूल्हे को तेज कर लिया, ऑयल रख के अब इसमें हम ये एक एक करके बोटी डालते रहेंगे और उसे क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगानी, इसी में ही आपकी इतनी बेहतरीन बोटी बन के तैयार होगी जो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि इसमें ना एक्स्ट्रा कोई मिर्च मसाले हैं। चाय के टाइम पे बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं मगर वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा सा बना हो, लंच में भी आप दे सकते हैं। अगर आप इसमें अंडा लगा के भी फ्राई करें वो भी बहुत मज़े की लगेगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत जल्दी में अभी बना रही हूँ। बस बच्चों ने फरमाइश की तो मैंने बोला बस जल्दी से बना दूँ, साथ ही आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँ। कितनी ज़बरदस्त फ्राई होगी। बस तेज़ चूल्हे पर करना है क्योंकि चिकन हमारा पूरा पक्का हुआ है, जिसे हमने पहले से ही बॉइल किया हुआ था। अच्छा, कुछ दिन पहले आपको मैंने रेसिपी यखनी की भी बताई थी, अगर उसका भी आप चिकन बच जाए ना तो उसको भी हम ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं क्योंकि अगर आप किसी नज़ले वाले पेशेंट को यखनी दे रहे हैं तो वो फिर बोटी खाने से गुरेज करते हैं, बोटी को अवॉइड ही करते हैं। मैं डिश आउट सारी करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी बोटियाँ तैयार हैं। अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।